हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी एंड पीना कोलाडा सॉर्बेट। ये बहुत ही आसान और रिफ्रेशिंग सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम शुगर सिरप बनाते हैं। ये इस पैन के अंदर मैं पहले डालूंगी हाफ कप वाटर और 1 कप शुगर। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक ये शुगर जो है डिजॉल्व ना हो जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक तार की कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट डिजॉल्व करना है हमें। जो मैं शुगर सिरप बना रही हूँ ये इसकी क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा बना रही हूँ ताकि ये दोनों रेसिपीज में काम आ जाए। ये पानी बॉयल हो गया और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1-2 ड्रॉप जो है लेमन जूस की डालूंगी सो देट ये क्रिस्टलाइज ना हो। ये शुगर सिरप को उबलते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो ये शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसे किसी बर्तन में मैं डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसको सॉर्बे बनाने के लिए यूज़ करें। तो अब शुगर सिरप मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। स्ट्रॉबेरी सॉर्बे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्ट्रॉबेरी, तो पहले फूड प्रोसेसर में स्ट्रॉबेरी डालते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लेमन का जूस और इसके अंदर मैं डालूंगी अब शुगर सिरप। ये शुगर सिरप मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, पर इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा की जा सकती है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए एकदम से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले 2-4 बार इसको पल्स करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करना शुरू करेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्रेप डाउन कर देती हूँ ताकि ये ऊपर का जो पीस आ गए वो भी नीचे आ जाए। वैसे तो ये सर्व करने के लिए अभी तैयार है, इसको अभी भी खाया जा सकता है, बट मैं इसे थोड़ी देर फ्रीज करूंगी 1 घंटे तक और फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं पीना कोलाडा सॉर्बे। तो पहले हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। सेम वैसे ही रेसिपी है जैसे हमने स्ट्रॉबेरी सॉर्बे बनाया था, बट इसमें पीना कोलाडा में जो होता है कोकोनट मिल्क डलता है, तो हम इसमें अब कोकोनट मिल्क डालेंगे। इसको कोकोनट मिल्क के बिना भी बना सकते हैं, तो फिर ये पीना कोलाडा नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा फिर पाइनएप्पल सॉर्बे। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप। इसमें अब मैं डालूंगी ये 1 लेमन का जेस्ट डालूंगी और इसी को फिर मैं स्क्वीज करके डालूंगी इसमें। इस लेमन जेस्ट से बड़ा ही फ्रेशनेस वाला एक फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस मेक श्योर करना है कि इसमें जो है व्हाइट वाला पोर्शन ना डालें, नहीं तो वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। बिल्कुल जो इसका ग्रीन वाला पोर्शन है मैं सिर्फ वही वाला डाल रही हूँ। और ये जो जेस्ट है इसको हम बड़े अच्छे से फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जब लेमन लेती हूँ तो मैं इसका जेस्ट निकाल के इसको फ्रीज कर लेती हूँ ताकि हमें जब जरूरत पड़े हम इसको यूज कर सकें। तो मैंने ये लेमन का जेस्ट निकाल लिया है और अब हम इसको स्क्वीज करेंगे। तो मैंने पूरा 1 लेमन डाल दिया है, अब हम इसे ग्राइंड करना शुरू करते हैं। सेम वैसे ही पहले पल्स करेंगे 2-3 बार और फिर उसके बाद नॉर्मल ग्राइंड करना शुरू करेंगे। एक हमारा पीना कोलाडा सॉर्बे बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये अभी सर्व किया जा सकता है, बट मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज करूंगी ताकि ये और अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए और इसे मैं अब किसी बॉक्स में निकालूंगी और फ्रीज होने के लिए रखती हूँ।
तो लीजिए तैयार है हमारे सुपर इजी एंड रिफ्रेशिंग स्ट्रॉबेरी सोर्बे एंड पीना कोलाडा सोर्बे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।